मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत को देश प्रदेश से शुभकामनाओं भरा संदेश मिल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के अलावा पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। इन नेताओं की लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। बीते काफी समय से चल रही तकरार के बाद ये पहला मौका था जब दोनों के बीच नरमी देखने को मिली। सचिन पायलट की ओर से ट्विटर पर लिखे गए शुभकामना संदेश के 12 घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जवाब आया। सचिन पायलट ने लिखा था, सीएम अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस पर जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, सचिन जी आपकी इस सद्भावपूर्ण शुभकामनाओं हेतु सहृदय आभार। अभी इस बात को ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय धरना दिया था। पायलट ने सीएम गहलोत पर पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों की जांच न करने का आरोप लगाया था। वहीं अशोक गहलोत भी पायलट को निकम्मा और नाकारा कह चुके हैं। राहत कैंप का भी अवलोकन किया उन्होंने। इस कार्यक्रम के बाद ट्वीट किया, जन्मदिन पर कोटड़ा के महंगाई राहत कैंप पर लोगों से मिले प्यार, सहयोग और शुभकामनाओं का आभारी हूं। मेरी सर्वोच्च कामना और प्रयास यही है। पंजाब केसरी से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।